आगरा जिले में डेंगू लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए आगरा जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से जुटा हुआ है, जिससे डेंगू संक्रमण को रोका जा सके और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा सके। शहर भर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के कवायद शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा का कहना है, डेंगू मामले को लेकर सीएमओ कार्यालय की एक टीम जिला अस्पताल और एसएन के साथ महिला चिकित्सालय पर निगाहें बनाई हुई है, तो एक टीम लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब का भी दौरा कर रही है, जिससे डेंगू मरीजों का सही आंकड़ा सामने आ सके। सीएमओ आगरा अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि डेंगू को लेकर शासन और सरकार दोनों ही गंभीर नजर आ रहे हैं, इसलिए डेंगू की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। IHIP पोर्टल पर लगातार डेंगू की रिपोर्ट अपलोड की जा रही है, इसलिए आगरा जिले में सीएमओ कार्यालय की टीमें लगातार कार्यवाही कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल और लोगों से भी आंकड़ा जुटाया जा रहा है, जिससे डेंगू की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। उनका कहना है कि प्रतिदिन जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे EFIC पोर्टल पर अपलोड कर शासन और सरकार को भेजा जा रहा है। डेंगू के लेकर हम लोग, जैसा कि निर्देश प्राप्त होने लगा था, हम लोग इस समय गवर्नमेंट के जो लैब्स हैं उनके अतिरिक्त प्राइवेट में भी फोकस कर रहे हैं। आज हमारी एक टीम गई है जो प्राइवेट चिकित्सालयों में भी ये देख रही है, कहीं कोई भी पेशेंट जो डेंगू या डेंगू जैसा है, संभावित डेंगू जैसा है, अगर वो एडमिट होकर इलाज करा रहा है तो हम लोग इसको नोटिस में लेंगे। क्योंकि ये सबसे कहा गया है कि सब लोग IHIP एक पोर्टल है जिसमें आपको जो रोज के आने वाले, चाहे वो संभावित रोगी हों चाहे वो एडमिटेड रोगी हों, उनकी सूचना उस पोर्टल के माध्यम से हमको देनी है, जिससे कि उस रोगी के आसपास की जगह पे हम लोग जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसको हम पूर्ण करा पाएं और इस तरह के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक पाएं। सीएमओ आगरा अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक लगभग 17 मरीज सामने आए हैं और जो भी डेंगू के संभावित मरीज हैं उनकी रिपोर्ट भी तलब की जा रही है, साथ ही सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज भी किया जा रहा है। डेंगू को लेकर सारी स्वास्थ्य इकाइयां पूरी तरह से दुरुस्त हैं, इसलिए जिले में डेंगू को लेकर स्थिति बिगड़ती हुई नजर नहीं आई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।